सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। इसे रख दो। इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, मैं ठक्कर, हरीश ठक्कर बोल रहा हूँ, प्रोफेसर निर्भय सक्सेना का दोस्त। मिस्टर ठक्कर बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए, वरना वो लोग किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप मुझे जल्दी बताइए, बोल कहाँ से रहे? मैं यहाँ अक्सा गांव माडर से बोल रहा हूँ। अदरे, यस सर। फॉरन पेट्रोलिंग तेरे को कवर करो, अक्सा गांव मोड स्पॉट करे जल्दी। यस सर। हाँ बोलिए मिस्टर ठक्कर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे धमका कर निर्भय को मेरे घर बुलवाने की साजिश रची गई थी, उन लोगों ने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखी थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो दोस्त है मेरा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। डायल नंबर घुमा 626-3107 और जैसा कहा है वैसा बोल, नहीं तो तेरा सर। हाँ निर्भय, मैं ठक्कर बोल रहा हूँ। घबरा के नहीं, घबरा के नहीं। देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। वो रहा ठक्कर। डाल साले को कहीं में। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हेलो उधर जाओ। हेलो, क्या पुलिस? ठीक है हाँ। कहाँ जा रहा है? हाँ के क्यों छुपाया ठक्कर को तुमने? कहाँ रखा है उसे? कौन ठक्कर? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे आदमी उसे यहाँ उठाकर लाए हैं। तुम ठक्कर से क्या चाहते हो? अच्छा, उसे मेरे आदमी यहाँ उठाकर लाए हैं? यहाँ? तो ठीक है, जाकर ढूंढ लो, जाओ। मिल गया ठक्कर। तुम्हारे आदमी ठक्कर को यहीं लेकर आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आने दिया, और तुम मुझ पर किसी के किडनैपिंग का बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो। इसके लिए मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई। इल्जाम तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा के? ठक्कर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था, तभी उसे उठवा लिया गया। वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है। मैंने भी उसे यहां ढूंढा है, फिर भी मैं तलाशी का वारंट लेकर यहां। तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठक्कर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चेहरा कभी बेनकाब नहीं होगा। देखो मैं इंस्पेक्टर का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या करेगा तू? ये तरीका ठीक नहीं मिस्टर विजय। देखो मैं कानूनी तौर पर। बस कीजिए इंस्पेक्टर, आपने कायदे और नियमों की भेड़िया पहन रखी है और जुर्म सरेआम सड़कों पर नंगा नाच रहा है। के ठक्कर अगर जिंदा नहीं मिला तो तेरी गर्दन कानूनी फंदे की पकड़ में नहीं, मेरे पंजों की पकड़ में होगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बहुत गहरी दोस्ती है उस प्रोफेसर से, दोस्ती कुर्बानी चाहती है।
क्या प्रोफेसर, बहुत तरस आता है तेरी इस हालत पर, मगर क्या करो, तेरी जबान सच्चाई का जहर कुछ ज्यादा ही उगलती है। आज तेरी बीवी अचानक टकरा गई, तेरे साथ फेरे लेने की सजा काट रही है बेचारी। अरे तू तो टूटे फूटे फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में पड़ा होगा, उस बेचारी का ख्याल कौन रखता होगा? कौन है भैया, लाइए फोन दीजिए मुझे। भैया प्लीज मुझे बात करने दीजिए। हेलो हेलो हेलो, कौन था? आपने मुझे बात क्यों नहीं करने दी? जब आप बोल नहीं सकते तो फोन क्यों उठाते आप? मैंने पहले भी जब आपसे कहा, क्यों इनके मन को ठेस पहुंचाई? क्यों? पहले भगवान ने इतनी बड़ी सजा दे रखी है इनको, विजय आज तो मुझसे मिलने की वजह पूछ रहे हो? हनी, मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां से कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। तुम्हारा दुख परेशानी क्या मुझसे अलग है? विजय, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी रिश्ते या फर्ज से अलग नहीं करना चाहती, मगर मेरे सीने में भी एक दिल है विजय, जो प्यार चाहता है, खुशियां चाहता है। विजय, आज मेरे जन्मदिन पर मुस्कुराहट का एक तोहफा ही दे दिया होता। हनी, मैं मानती हूं कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिंदगी में प्यार की जगह क्या है ये भी तो मैंने तुम्ही से सीखा है विजय। हनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार। सपने मैंने भी देख डाले बहुत, तुम्हारे लिए हर मुश्किल हर ताकत से लड़ने का हौसला था मुझ में, लेकिन तकदीर ने मेरे साथ भयानक मजाक खेला है। आज जो कुछ भी भैया के साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। भैया की जान लेने की कोशिश मैंने ही की, मैंने ही उन्हें चाकू मारा था। विजय, क्या कह रहे हो तुम? विजय, ये सब मुझसे धोखे से कराया गया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं किसने बाबूराम को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। मेरे भाई केके की तुम्हारे भैया के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, उसने मुझे धमकाया था और तुम्हारे साथ रिश्ता काटने के लिए भी कहा था। इस साजिश के पीछे किसी का भी हाथ हो हनी, उसके चेहरे पर नकाब सिर्फ तब तक है जब तक बाबूराम या ठक्कर मुझे नहीं मिल जाते। ठक्कर ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था, इससे पहले कि पुलिस हिफाजत के लिए वहां पहुंचती उसे उठा लिया गया। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। आप मुझे लिखित में अपना बयान दीजिए कि केके के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है। उसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की। देखिए, आपके बहन के बाद ही मुझसे कैसी दुश्मनी आपकी केके के साथ, बोलिए भैया। देखिए मिस्टर सक्सेना, देखिए आप इन्हें समझाइए। केके शहर का बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक पहुंचे हैं, ठीक सबूत और गवाह न मिलने की वजह से आज तक पुलिस से बचता आ रहा है। इनके ये बयान दे देने से हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। प्लीज
भैया आप बताते क्यों नहीं, क्या दुश्मनी है आपकी केके के साथ? बोलिए भैया, बोलो भाभी। तो ये सब उसी का किया धरा है, इतना सब कुछ बर्दाश्त किए बैठे हैं आप, मुझसे भी नहीं कहा आपने? भाभी हुआ क्या है, मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं बताती हूं, मुझे बोलने दीजिए। ये उन दिनों की बात है जब तेरे भैया पूना के बीएम कॉलेज में थे। हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, कुछ नशा करता था ये? चरस, स्मैक। इंस्पेक्टर कत्ल हुआ है इसका, जरा आंखों से काला चश्मा निकालिए, कन्या ने खून किया है इसका, उसने सरेआम कॉलेज में। क्या गुंडा था ये, काम करता था कन्या के साथ? इंस्पेक्टर इस लड़के ने पुलिस की मदद की थी, ड्रग्स के एक बहुत बड़े स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी इसने, और वो लाखों रुपए का जहर जो पुलिस ने पकड़ा था उसी कन्या का था। आप जरा इधर आइए, बड़ा जिद्दी टीचर है, समझने की कोशिश ही नहीं करता। जरा सोचिए, इस केस को उछाला तो आपके कॉलेज की बदनामी होगी। इस लड़के का नाम क्या है? अखिल। कन्या कौन है? गुंडा। क्या करता है? ड्रग का कारोबार। ये लड़का कौन है? बीएम कॉलेज का स्टूडेंट। फिर प्रेस, ड्रग, लोग, कन्या, अखिल, आपके कॉलेज को बड़ी शोहरत मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर, सोचिए सोचिए। सोचना क्या है इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखिए, इस लड़के का खून हुआ है, मैं चश्मदीद गवाह हूं। पुलिस स्टेशन चलिए, हर चीज कानून से होगी ना, चलिए चलिए।